क्या सुदर्शन चक्र आज भी इस धरती पर है? महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद में भगवान श्री कृष्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जो अपने स्वामी के आदेश पर अगर छोड़ा जाए तो वो उस आदेश को पूरा कर ही वापस आता है। एक कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र को भगवान शिव शंकर भोलेनाथ ने खुद बनाया था तथा संसार के कल्याण के लिए सुदर्शन चक्र को भगवान श्री हरि विष्णु को भेंट किया था। और इसी सुदर्शन चक्र से भगवान श्री हरि विष्णु ने माता सती के पार्थिव शरीर के 52 टुकड़े किए थे। इसके साथ ही महाभारत युद्ध में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी सुदर्शन चक्र से कई पापियों का संहार भी किया था। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था उसके बाद में सुदर्शन चक्र कहां पर गया? कहते हैं कि तब उसी समय सुदर्शन चक्र भी इस धरती में समा गया था। और भविष्य में जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान श्री हरि विष्णु का कल्कि अवतार होगा और तब वो सुदर्शन चक्र को दोबारा धारण करेंगे और पुनः पापियों का संहार करेंगे। जब कलयुग अपने भीषण और अंतिम चरण पर होगा तब सुदर्शन चक्र से ही भगवान कल्कि राक्षस कली का वध करेंगे। दोस्तों भगवान श्री हरि विष्णु की महिमा तो अपरंपार है क्योंकि उनकी हर एक महिमा को केवल एक सच्चा श्री हरि भक्त ही समझ सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके श्री हरि के इस छोटे से भक्त को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा।